हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सांसद अनुराग ठाकुर के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने आज तक जो काम किए हैं उस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं बल्कि संस्था के खिलाफ ये फैसला आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि राजनीति करना उनका अधिकार है। उनको अधिकार है राजनीति करने का, क्योंकि वो और तो कुछ कर नहीं सके। सांसद महोदय ने जो कुछ प्रदेश के लिए किया है खेल के क्षेत्र में, प्रदेश और देश के लिए, उसमें प्रत्येक भारतवासी को गौरव है, गर्व है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए उनको ये लग रहा है BCCI का जो निर्णय आया है वो एक संस्था के खिलाफ है, और वो भी कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष होगा वो कभी एफिडेविट नहीं दे सकता कि जो सारी बॉडी ने फैसला करना है वो मैं ही करके ख़त्म कर दूंगा। संविधान के अनुसार 3/4 मेंबर 3/4 बहुमत के साथ BCCI का संविधान में कोई संशोधन किया जा सकता है, तो अकेले अध्यक्ष कैसे कर सकता जब कोई बाकी तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा उनकी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, BCCI की स्वायत्तता के लिए लड़ाई थी, ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई थी, और उसमें कोर्ट ने जो निर्णय किया वो स्वीकार है। जो और बनेंगे वो चलाएं, वो करें ऐसे कि इसको तोड़ के बना देंगे, किस तरह करेंगे वो निर्णय उनको करना है, जो बनेंगे जिनको चलाना है। हम तो क्रिकेट को फलता फूलता देखना चाहते हैं, खेलों का भविष्य उज्जवल हो। एक करे, दूसरा करे, जो भी करे उसका स्वागत होगा।